आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज व जिला चिकित्सालय के SNCU PICU के नोडल डॉक्टर SL पटेल से मरीज के बीच विवादों का दौर थामने का नाम नहीं ले रहा है। आज चिकित्सालय में अपने बच्चों का इलाज कराने आई एक महिला ने डॉक्टर SL पटेल पर एक बार फिर पैसे और उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। डॉक्टर पटेल के इस रवैया से नाराज महिला अपने बच्चे और कुछ स्थानीय सोशल वर्कों के साथ इमरजेंसी वार्ड पर धरने पर बैठ गई। बाद में उप जिलाधिकारी ललित कुमार मिश्रा ने डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद इमरजेंसी गेट से यह धरना समाप्त किया। आपको बताते चले कि पड़ोसी जनपद बलरामपुर की एक महिला अपने बच्चों का इलाज कराने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल आई थी। वहां पर वह डॉक्टर SL पटेल के चैम्बर में बच्चे को दिखाने के लिए गई। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके बच्चे को नहीं देखा और देखने के लिए 200 रुपए फीस की डिमांड करने लगे। महिला के विरोध करने पर उन्होंने बच्चों को दूसरे डॉक्टर को दिखाने और उनका कुछ भी न बिगड़ने की बात कही। मजबूर होकर महिला को इमरजेंसी गेट के सामने धरने पर बैठना पड़ा, जहां महिला के समर्थन पर कुछ स्थानीय लोग और सेवी भी आ गए। कुछ देर बाद इस मामले की जानकारी SDM सदर को हुई। SDM सदर ललित कुमार मिश्रा, स्थानीय थाना अध्यक्ष सतीश सिंह और CO अखिलेश वर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे और महिला के साथ वहां धरने पर बैठे हुए अन्य लोगों को जांच कर डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसे वहां बैठे लोगों ने धरने को समाप्त किया। आपको यह भी बताते चले कि अभी एक हफ्ता पहले डॉक्टर SL पटेल पर एक महिला और उसके पति ने उसके बच्चे की मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर AK झा ने जिलाधिकारी ने निर्देश पर 3 सदस्य जाँच कमेटी का गठन किया था, लेकिन अभी तक जाँच कमेटी की न तो रिपोर्ट आई और न ही डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी। आज दिन डॉक्टर SL पटेल के इस व्यवहार से परेशान लोग अब किसी बड़े आंदोलन का मूल बना रहे हैं। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाले? हम पचपेड़वा के रहने वाले हैं, जिला बलरामपुर, और हम आए हैं अपनी बच्ची को दिखाने के लिए। हमारी बच्ची को 3 दिन से उल्टी नहीं बंद हो रही है और दिमाग में उसके चोट लगा है, और डॉक्टर को यहाँ दिखाने के लिए आए हैं आज, तो डॉक्टर कहे फीस लगेगा, और फिर फीस ना देने के बाद डॉक्टर उठ के चले गए हैं, डॉक्टर देखे भी नहीं। उसके बाद में यहाँ इमरजेंसी में जब आके बैठे हैं तो डॉक्टर हमसे क्या नाम है उसे गुस्से से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओ जिसको दिखाना है दिखा लो, कुछ भी नहीं हमारा कोई कर पाएगा, जाओ जिसको दिखाना है न्यूरो सर्जन को दिखाओ, कह रहे हैं न्यूरो सर्जन को दिखाओ। क्यों न्यूरो सर्जन को दिखाएं, सरकार का पैसा कम पड़ रहा है कि इनको हमारा भी पैसा चाहिए? हमको पैसा देने में परेशानी नहीं है, हम तो दे देंगे, लेकिन आम जनता की परेशानी है ये कि उनको भी उनका हक चाहिए। डॉक्टर SK पटेल नाम है उस डॉक्टर का SK पटेल नाम है। हम गए तो उनके स्टाफ आके कहे कि वो पैसा लगेगा, और फिर हमारा भाई अंदर गया तो उनसे भी कहे कि पैसा लगेगा, और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि अलग से वो बैठे तो हम उनको पैसा देते हैं, लेकिन जब वो सरकारी अस्पताल में बैठे हैं तो उनको हम किस चीज का फीस दें? और वो हमसे ही नहीं हर किसी से पैसा मांगते हैं, हर किसी से पैसा मांगते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं ऐसा कोई नहीं बता रहा है कि चाहे एक सुई लगाने के लिए हो चाहे वो दवा देने के लिए हो, हर किसी से पैसा लिया जा रहा है। हमारी बच्ची को छुआ तक नहीं है उन्होंने, हमारी बच्ची का रिपोर्ट तक नहीं देखा है उन्होंने, वैसे ही हमारी बच्ची को भगा दिया है उन्होंने, भगा दिया सीधा, कहा है कि हमारा टाइम खत्म हो गया है, और फिर जो न्यूरो सर्जन को दिखाओ, बच्ची को हमारी छुआ तक नहीं है उस इंसान ने, 200 रुपए हमसे मांगे हैं, डॉक्टर खुद मांगे हैं हमसे पैसा। हम इंसाफ चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ अब किसी और के साथ ना हो इस तरह का, कि क्या नाम है किसी की बच्ची इस तरह के ना परेशान हो, हम इंसाफ चाहते। शाहरुख पठान नाम है, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आज ईद उल अजहा का दिन था, जुलूस में मैं घर गया था। हमारे एक मित्र का फोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है आप आ जाइए, बल्कि मैं घर पे ही था, आया उनको किसी वो उनका मरीज OT में है, उनसे सुई नाम पे पैसा लिया जा रहा था। तब तक मित्र हमारे और साथी मिल गए, मैं बात ही कर रहा था, तब तक इस महिला इन सिस्टर का ये महिला इनका दर्द में देखा, ये बोल रहे हैं कि भैया हम आए थे दिखवाने डॉक्टर से पटेल, जिनका एक हफ्ता पुराने का प्रकरण अभी तक जांच हुआ नहीं है, वो बोल रहे थे हम दिखाने आए थे, हमारे मरीज से कह रहे हैं कि पहले 200 रुपया दीजिए आपको देखेंगे। ये तुम्हारे ये पूछे कि भैया क्या आपका टाइम नहीं है सर आपका, कहते मेरा कोई टाइम नहीं, मेरा टाइम बीत गया है। और एक हफ्ता पहले एक अधिकारी खुद जवाब दे रहे हैं कि ये जितने भी PICU और ICU के जो डॉक्टर हैं वो ऑन ड्यूटी काल पे हैं, ऑन ड्यूटी काल पे हैं, इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में जब कभी मरीज को दिक्कत होगा तो डॉक्टर को आना पड़ेगा, तो क्यों कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ? सबसे बड़ा सवाल ये है, एक हफ्ते का जो पुराने का प्रकरण है उसका अभी तक जाँच हुआ नहीं, 9वां दिन चल रहा है।
ये मामला काफी है, यहाँ के जो अधिकारी हैं लीपापोती कर रहे हैं और ये आवाज दबेगी नहीं, और तत्काल अगर कार्रवाई होगा तो मैं आपको बता देना हूँ पत्रकार साथियों के माध्यम से, मैं आमरण आंसर पे बैठने जा रहा हूँ बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, ये मेरा आप लोग को समझाने का, मैं ज्यादा कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी यह संज्ञान में आया है कि कुछ लोग अपनी शिकायत दर्ज की और धरने पे जैसा थे और किसी डॉक्टर के खिलाफ एक आरोप लगाए हैं, तो इसके संदर्भ में जांच किया जाएगा, यदि तथ्यों में सत्यता हो तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जनता का हित सर्वोपरि होता है, किसी प्रकार से किसी की असुविधा स्वास्थ्य से संबंधी नहीं होने दी जाएगी और इसकी जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर। इससे पूर्व भी इसी डॉक्टर पर आरोप लगा हुआ और जाँच भी चल रही है सर? तो जांच चल रही है, जांच गतिमान है, तो उसके तथ्य सामने आ जाएंगे तभी उस पर कुछ कहना मुनासिब होगा। अभी आज जो उनकी समस्याएं हम लोगों ने सुना है और लोगों से कहा है कि जो भी समस्याएं आप लिखित रूप में भी दीजिए और यदि जो भी दोषी होगा या कोई इसमें कुछ बात आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी प्राचार्य से भी बात हुई है कि इसको सेल्फ मॉनिटरिंग करें और हम लोग भी इसको देखेंगे, किसी प्रकार से शोषण नहीं होगा क्योंकि जनता का हित तो सर्वोपरि है और इसको सुनिश्चित किया जाएगा। सर अभी त्वरित कोई कार्रवाई करेंगे? अभी इन लोगों से साक्ष्य भी लिया जा रहा है, बातचीत भी हो रही है और संबंधित डॉक्टर से भी बात किया जाएगा और प्राचार्य से भी बात किया जाए, उसके अगर कोई भी बात सामने आए तो कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द होगा, अगर यदि बात तथ्य सामने कुछ आता है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी, किसी प्रकार से हिला हवाली इसमें स्वीकार नहीं है।